हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये ड्राइंग मैंने कैसे बनाया, इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजीली बताने वाला हूँ कि ये ड्राइंग मैंने पूरी तरीके से कैसे तैयार किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें स्केच करना है, और जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है अप्सरा पेंसिल, एंड जो हमारी शीट है इसका नाम है क्रिएटिव क्राफ्ट शीट। यह आपको किसी भी मार्केट की आर्ट शॉप पर मिल जाएगी। पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है दोस्तों। स्केचिंग बनाने की सबसे अच्छी ट्रिक जो है वो यही है, पहले हल्की लाइन फिर डार्क लाइन। तो धीरे धीरे हमारा स्केच गिलास का आकार ले रहा है। सो गाइज, हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। स्केच कंप्लीट होने के बाद हम अब यूज़ करेंगे वाटर कलर का। वाटर कलर के ऊपर हम यूज़ करेंगे कलर पेंसिल का। कलर पेंसिल हमारी डॉम्स कंपनी की है। हम दो तरीके की पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, ग्रे एंड ब्लैक। पेंसिल से हमें बहुत अच्छे से शेडिंग देनी है। वाटर कलर को और डार्क करने के लिए हमने थोड़ा और वाटर कलर लिया है। व्हाइट पेंसिल से हम इसे शेड देंगे। इसी तरीके से हमें वाटर कलर का और कलर पेंसिल का यूज़ करना है। वाटर कलर को हल्का भी देना है और डार्क भी देना है। जितना वाटर आप मिलाओगे उसी हिसाब से वाटर कलर डार्क होगा और हल्का होगा। वाटर कलर के ऊपर हम कलर पेंसिल का भी यूज़ करेंगे। वाटर कलर के ऊपर कलर पेंसिल का यूज़ करने से पेंसिल बहुत डार्क और अच्छी चलती है। कलर भरते टाइम हमें रेफरेंस की भी हेल्प लेनी होगी, और हमें ध्यान रखना है कौन सा कलर किस जगह देना है। यह है क्रीमी वाइट पेन 0.7। ये पेन दोस्तों हर आर्टिस्ट यूज़ करता है अपनी ड्राइंग के लिए।
हमें पेंसिल को एक दूसरे में मिक्स करके शेडिंग करनी है दोस्तों। ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप कलर पेंसिल, मार्कर, कलर स्टिक का यूज़ करना है। जैसा कि हमारे रेफरेंस में ब्लैक कलर इस साइड है, तो इसी साइड हम ब्लैक कलर देंगे। ये जो हम ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं, यह है एक्रेलिक कलर। एंड जो ये वाइट कलर है, ये भी एक्रेलिक कलर है। इस जगह हम वाइट कलर इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा रियल इफ़ेक्ट इस गिलास में आ जाए। वाइट कलर देने के बाद दोस्तों गिलास एकदम रियल दिखाई देगा। दोस्तों पेंसिल से हम इसकी शैडो बनाएंगे। शैडो बनाने के बाद ये और रियल दिखाई देगा। दोस्तों हम इसमें अपनी फिंगर से या फिर कपड़े से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने के लिए दोस्तों पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे लिए तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना, वो है कपड़ा। शैडो बनाने के बाद दोस्तों जहाँ हमने वाइट एक्रेलिक कलर दिया था, उसी जगह हम वाइट कलर देंगे ताकि वो और वाइट दिखे। ऐसे हमारी ड्राइंग और रियल इफेक्ट की दिखाई देगी। सो गाइज, हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।